नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपके अपने चैनल स्टडी फॉर जॉब से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने हरियाणा का बजट किया था, हरियाणा जीके से रिलेटेड। तो आज हम करेंगे फुलकारी, वस्त्र बनाने की कला, फुलकारी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम कवर करेंगे, ठीक है। फुलकारी से रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है, पिछले एग्ज़ाम्स में आता रहा है, ठीक है। आज हम इम्पोर्टेंट फुलकारी से रिलेटेड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो और बाकी का जो साइंस का टॉपिक है वो चल रहा है हमारा, वो भी मैंने सोचा है कि जितने भी लेक्चर आज तक साइंस के हुए हैं ना, एडवांस साइंस के, फिजिक्स का, एक उसका इकट्ठा मर्ज करके उसको एक मैराथन बनाकर आप लोगों के सामने पेश करूँ, ठीक है। वो आपको मिल जाएगी, संडे तक मिल जाएगी आपको मैराथन, ठीक है, ताकि एक ही वीडियो में आपको पूरा डाटा मिल जाए, ठीक है। आज हम फुलकारी से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। राज्य में वस्त्र या शॉल बनाने की कला क्या कहलाती है? राज्य में वस्त्र या फिर शॉल बनाने की कला, शॉल बनाने की कला, बनाने की कला, इसको क्या बोलेंगे? फुलकारी। इसी को ही फुलकारी बोलेंगे, ठीक है बच्चों। वस्त्र या फिर शॉल, वस्त्र या शॉल बनाने की कला को फुलकारी कहते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड, एक नंबर का आ चुका है पिछले एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में फुलकारी जो है, वस्त्र किस देश से प्रसिद्ध हुई है? ये जो फुलकारी कला है ये किस देश से आई है हमारे, इसका इतिहास जो है वो किस देश से आई है? ये आई है हमारे पास फारस से, फारस से, ठीक है, फारस से आई है। बाग व फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है? बाग प्लस फुलकारी, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको क्या बोलेंगे? चौप। क्या बोलेंगे? चौप। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है ना एग्ज़ाम में, क्वेश्चन आ चुका है ये। बाग और फुलकारी को क्या बोलते हैं? चौप बोलते हैं, ठीक है ना, पक्का आ चुका है, ठीक है दोस्तों। ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये बाग और फुलकारी क्या कहलाता है? चौप कहलाता है, ठीक है। और थिरमा फुलकारी, थिरमा फुलकारी किसको बोलेंगे? क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर में, थिरमा फुलकारी। थिरमा फुलकारी क्या होता है? ये थिरमा फुलकारी होता है जब सफ़ेद रंग का कपड़ा होता है ना, जो उसके ऊपर जो कारीगरी की जाती है, उसके ऊपर फूल या पत्तियां बना दिया जाता है, तो उसको थिरमा फुलकारी कहेंगे। सफ़ेद रंग के कपड़े पर बनाई गई कारीगरी, सफ़ेद रंग के कपड़े पर, ठीक है। इसको ज़्यादातर ज़्यादा उम्र वाली औरतें पहनती हैं, ठीक है। कपड़े पर फूल व पत्तियाँ बनाई जाती हैं, फूल व पत्तियाँ बनाई जाती है, ठीक है, सफ़ेद रंग के कपड़े पर, ठीक है, सफ़ेद रंग के कपड़े पर की जाती है ये कारीगरी, ठीक है, सफ़ेद रंग के कपड़े पर। इसमें अधिक उम्र की औरतें इसको पहनती, इसको यूज़ करती है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ये थिरमा फुलकारी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फुलकारी से ज़्यादातर किस धागे का प्रयोग किया जाता है? कौन से धागे का? रेशमी धागे का, रेशमी धागे का प्रयोग किया जाता है किसमें? फुलकारी में, फुलकारी में। ये एक नंबर में आ जाते हैं बच्चों, इसलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। रेशमी धागे का प्रयोग किया जाता है किसमें? फुलकारी में, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है, राज्य की वस्त्र या शॉल बनाने की कला क्या है? फुलकारी। फुलकारी कहाँ से आई है? फारस से, इसका ऐतिहासिक फारस से है। बाग और फुलकारी का कॉम्बिनेशन क्या होता है? चौप। और थिरमा फुलकारी सफ़ेद रंग के कपड़े पर कारीगरी की जाती है और इसको अधिक उम्र की औरतें पहनती हैं, यानी एज्ड औरतें पहनती हैं, ठीक है। और रेशमी धागे से इसमें फुलकारी की जाती है, रेशमी धागे से। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है, और ये है कि रेशमी धागे से जो फुलकारी की जाती है उस पर क्या, कौन से फूल व पत्तियाँ, फूल पत्तियाँ, फूल पत्तियाँ, चांद, सूरज और शीशे, शीशे का यूज़ भी किया जाता है, ठीक है।
ये क्या है, ये किस में की जाती है, ये की जाती है फुलकारी में। इसको क्या बोलते हैं, फुलकारी। फुलकारी में किस किस के चित्र बने होते हैं, फूल, पत्तियाँ, चांद, सूरज और शीशा लगाया होता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब करेंगे हम बाग फुलकारी, किसको कहेंगे बाग फुलकारी, बाग फुलकारी। बाग फुलकारी में क्या होता है, बाग फुलकारी, राइटिंग अगर समझ ना आ रही हो तो दोस्तों मैनेज कर लीजिएगा, मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ आप लोगों को स्पीड से करा रहा हूँ, क्योंकि कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा डेटा देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बाग फुलकारी में क्या होता है, ये काफ़ी घनी होती है, काफ़ी घनी होती है, ठीक है, काफ़ी घनी होती है और रेशमी धागे से ये फुलकारी की जाती है, रेशमी धागे से ही की जाती है फुलकारी तो। ठीक है, क्लियर है, फूलों की कढ़ाई की जाती है, रेशमी धागे से फूलों की कढ़ाई की जाती है, उसको क्या कहेंगे, घनी कढ़ाई की जाए, ज़्यादा घनी करी जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, बाग फुलकारी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला टाइप है, इसको रब कर देता हूँ बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मंदिरों व गुरुद्वारों में जो फुलकारी वाली चादर चढ़ाई जाती है ना, मंदिरों व गुरुद्वारों में जो चादर चढ़ाई जाती है उस पर कौन सी फुलकारी की जाती है, कौन सी फुलकारी की जाती है उस पर बताओ, मंदिरों व गुरुद्वारों में कौन सी, दर्शन द्वार फुलकारी की जाती है इस पर, मंदिरों व गुरुद्वारों की ऊपर जो चादर चढ़ाई जाती है, मंदिरों व गुरुद्वारों में जो चादर चढ़ाई जाती है ना, उसके ऊपर फुलकारी कौन सी की जाती है, दर्शन द्वार फुलकारी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है, नेक्स्ट टॉपिक है छमास फुलकारी। अब छमास फुलकारी किसको कहेंगे हम, छमास फुलकारी किसको बोलेंगे। छमास फुलकारी में क्या होता है, देखो जो मतलब घनी की जाती है वो तो फूल पत्तियों से बनी हुई होती है, वो तो था बाग फुलकारी। अब ये छमास फुलकारी क्या होगा, इसमें की तो घनी जाती है लेकिन उसमें है ना बीच बीच में शीशे के एक टुकड़े जो हैं वो सिले जाते हैं रेशमी धागों से, शीशे के टुकड़े जो होते हैं वो सिले जाते हैं। ठीक है, सिले जाते हैं शीशे के टुकड़े, ठीक है, शीशे के टुकड़े से बनाई जाती है ये छमास फुलकारी बोलते हैं इसको। ठीक है, कांच के, ठीक है, पीले स्लेटी और नीले धागे के साथ ये की जाती है, किस किस धागे के साथ, पीले के साथ, नीले के साथ, स्लेटी के साथ, ठीक है, इस रंग के धागे के साथ ये फुलकारी की जाती है, कौन सी, छमास फुलकारी। ठीक है, लेकिन शीशे के टुकड़े सिले जाते हैं। ठीक है, क्लियर, छमास फुलकारी हो गया। अब कौन सी फुलकारी बाकी है, अच्छा फुलकारी किस कपड़े पर, सूती या सिल्क के कपड़े पर की जाती है, फुलकारी कौन से कपड़े पर की जाती है, फुलकारी कौन से कपड़े पर की जाती है, सूती या सिल्क को रेशम भी बोल सकते हैं, यानी रेशमी कपड़े पर। ठीक है, सूती कपड़े पर या रेशमी कपड़े पर फुलकारी की जाती है। ठीक है, एक एक नंबर में ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन, इसलिए इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि कुछ भी मिस ना हो, मेरा ये मानना है कि एक भी क्वेश्चन कहीं से भी मिस ना हो, इसलिए इम्पोर्टेंट बहुत अच्छी बुक है मेरे पास जिसमें से मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूँ, बिल्कुल वेरीफाइड डाटा वाली बुक है, कोई ऐसी वैसी राइटर की बुक नहीं है, बहुत अच्छी वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राज्य में किस वस्त्र को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसको सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है फुलकारी को। ठीक है बच्चों, किसको, फुलकारी को। ठीक है, सुहाग का प्रतीक भी, विधवा थोड़ी पहनती हैं फुलकारी, क्लियर है ना, फुलकारी वाले नहीं पहनते। ठीक है, बाग और चौप मैंने बता दिया आप लोगों को, दुल्हन को बाग और चौप के, जो बाग फुलकारी वाले हैं ना, बाग वाले
या चोप वाले, ये ज़्यादातर दुल्हन ओढ़ती है, ठीक है, शादी के टाइम पे, ठीक है, शादी के टाइम पे ये दुल्हन ओढ़ती है, ठीक है। सुनहरे पीले रंग का, जिसमें सुनहरे पीले रंग का धागा, धागे से कढ़ाई की जाती है, सुनहरे पीले रंग के धागे से, पीले रंग के धागे से कढ़ाई की होती है, से कढ़ाई की जाती है, की होती है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। बाग व चोप जो फुलकारी है, बाग व चोप फुलकारी जो है वो दुल्हन ज़्यादातर इसको पहनती है, ओढ़ती है, यानी कि फुलकारी वाली शॉल वगैरह या वस्त्र जो भी है, ठीक है, इसको दुल्हन के दुल्हन यूज़ करती है, पहनती है। सुनहरे पीले रंग के साथ कारीगरी की हुई होती है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। और नेक्स्ट है, ये कौन सी सदी से इसका विकास हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 15वीं सदी से इसका विकास हुआ है, 15वीं सदी से, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, 15वीं सदी से इसका फुलकारी का विकास हुआ है, ठीक है, और फारस से ये आई है, क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट थे फुलकारी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैं बता चुका हूँ, जल्दी जल्दी बता दिया मैंने, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने अपने स्पीड में इसको बताने की कोशिश करी है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम राज्य की वेशभूषा, एक बार नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट चलते हैं, राज्य की वेशभूषा, थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लाइव क्लास लेना को लाइव क्लास भी ले लेता, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा होती है लाइव क्लास में कमेंट को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्य की वेशभूषा, राज्य की वेशभूषा, राज्य की वेशभूषा, ठीक है, राज्य की वेशभूषा, राज्य की वेशभूषा में पुरानी, हमारी सबसे पुरानी परंपराओं के हिसाब से पुरुष क्या पहनते थे, पुरानी परंपराओं के हिसाब से, आज भी पहनते हैं वैसे, पुरानी परंपराओं से चली आ रही है ये, पुरानी पोशाक क्या है पुरुषों की, पुरुषों की, पुरुषों की पोशाक क्या है, ये है धोती कुर्ता, ये आज भी पहनते हैं पहनने वाले तो, ठीक है, धोती कुर्ता, क्लियर बच्चों, धोती कुर्ता। लेकिन इन्हीं पे देखें तो महिलाएं क्या पहनती हैं, महिलाएं पहनती हैं दमन, दमन पहनती हैं महिलाएं, ठीक है, आजकल महिलाएं तो दमन बहुत कम पहनना शुरू कर रखा है, आजकल तो बहुत कम ही पहनती हैं, ठीक है, दमन, दमन कुर्ता, क्लियर है बच्चों। और सूती वस्त्र जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है सिर पर, पुरुषों के द्वारा, इज्जत का प्रतीक भी मानते हैं इसको, इज्जत का प्रतीक, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, इज्जत का प्रतीक, इज्जत का प्रतीक जिसको सिर पर पहना जाता है, हल्के कपड़े, सूती कपड़े का, जिसको सिर पर पहनते हैं, हल्के कपड़े का बना होता है इसको, क्या है ये, काफ़ी बार आ चुका है, खंडवा, ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है ना, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, और जो कमर पे बांधते हैं काली धागे की, कमर पे बांधते हैं बच्चों के, और पुरुष भी, बच्चे और पुरुषों को बचपन में बांध दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, काला धागा, काली पक्के धागे की है, ठीक है, कमर पर बांधे जाने वाला काले रंग का धागा, काले रंग का धागा जो बचपन में बच्चों को बांधा जाता है, बचपन में बच्चों को बांधा जाता है, ठीक है, बच्चों को कमर पर बांधा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, कमर पर बांधा जाता है, क्या बांधा जाता है बच्चों बताओ, कमर पर नहीं बांधते बचपन में बच्चों को काला धागा, तागड़ी, उसको क्या बोलते हैं, तागड़ी, तागड़ी, ठीक है बच्चों, क्लियर है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, जो इम्पोर्टेंट है आने के
चांसेस है जिसके, ठीक है। जाड़े में ओढ़ी जाने वाली, जाड़े में ओढ़ी जाने वाली चादर, जाड़े में बारीक सूत की ओढ़ी जाने वाली चादर कौन, उसको क्या बोलते हैं, ओढ़ी जाने वाली मजबूत चादर उसको क्या कहेंगे हम, दोहर या फिर धोर, ठीक है, इसको दोहर या धोर कहते हैं, क्लियर है। और ये इम्पोर्टेंट है जो अब मैं बताऊंगा, मोटे सूत की मोटी चादर जो ओढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोटी चादर जो ओढ़ते हैं, जो ओढ़ने के काम आती है, बताओ। ये है खेस, सबको पता होगा इसका, तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, खेस, ठीक है। ये दोर जो थी, दोर थी जाड़े में जो बारीक सूत की, वो डिजाने वाली मजबूत चादर दोहर या धोर, और मोटी सूत की मोटी चादर वो डिजाने वाली खेस, क्लियर है, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा होगा ना। इम्पोर्टेंट वेशभूषा करवा रहा हूँ मैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो पिछले एग्ज़ाम्स में भी आए हुए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो। लेक्चर अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ग्रो करने में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कमरी जैकेट जो जाड़े में पहनी जाती है, कमरी जैकेट जो जाड़े में पहनी जाती है, कमरी जैकेट जो जाड़े में पहनी जाती है, और ये किसकी बन, किस कैसे बनी होती है, रुई भरकर बनाई होती है, जैसे रज़ाई बनाते हैं अपा, भरकर बनाई होती है, ठीक है, रुई भर के बनाई होती है और जाड़े में पहनी जाती है कमरी जैकेट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिर्जई। एक तरह से देखे तो मी को हटा के देखोगे तो रजाई क्या है, रुई भर के ही तो बनाई होती है, ठीक है ना, रुई भर कर ही बनाई होती है ना, लेकिन ये मिर्जई है, ये जैकेट के रूप में है, ये मिर्जई है, ठीक है बच्चों, इस तरह से याद कर लेना आप, क्लियर। नेक्स्ट है एक लंबा पटनुमा गर्म कपड़ा जो सर्दियों में गर्दन पर लपेटा जाए, एक लंबा गर्म कपड़ा जो गर्दन पर लपेटा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सबको पता है मफलर, उसको क्या बोलेंगे, मफलर, क्लियर है बच्चों, मफलर बोलेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, प्लीज़ इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ आप लोगों को, कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। लेने को तो लाइव लेक्चर भी ले सकता था लेकिन मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि टाइम अभी हमारे पास कम है, अगर कमेंट्स अलग से पढ़ता फिर कमेंट का जवाब देता तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाता है जिससे आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होता है और डाटा कम आप तक पहुंच पाता है, इसलिए सोचा कि रिकॉर्डेड लेक्चर हो, जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही डाटा आपको मिले, ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर लेकर आता हूं आप लोगों के सामने, ठीक है दोस्तों। ये एक लंबा गर्म कपड़ा जो गर्दन पर लपेटा जाता है उसको क्या बोलते हैं, मफलर, ठीक है। हरियाणा जीके की बेस्ट बुक है जिसमें से मैं ये डाटा लेकर आया हूँ, ठीक है, सिर्फ एक बुक का नहीं है, 2-3 बुक्स का है, ठीक है। एक छोटा से छोटा पॉइंट भी मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अब है हमारा पगड़ी और खंडवा वाला ये करवा, विवाह में चढ़ाए जाने वाला रेशमी ओढ़ना, ये भी आ चुका है एग्जाम में, विवाह में चढ़ाया जाने वाला रेशमी ओढ़ना, विवाह में चढ़ाया जाने वाला रेशमी ओढ़ना, इसको क्या बोलते हैं, रेशमी
ओढ़ना, ये पहले एग्जाम में आ चुका है बच्चों, ठीक है। विवाह में चढ़ाया जाने वाला रेशमी ओढ़ना, इसको क्या बोलते हैं, रेशमी ओढ़ना इसको क्या बोलते हैं, डिमाच, ये आ चुका है पहले, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, डिमाच, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा में किस सभ्यता के लोग खाल व ऊन रुई से वस्त्र बनाने की कला में निपुण थे, कौन सी सभ्यता के थे, ये सीसवाल सभ्यता के लोग थे, सीसवाल सभ्यता के लोग खाल के कपड़े पहना करते भाई, खाल से बनाए जाते थे इनके कपड़े, खाल से, और ऊन रुई से तो आज भी बनते हैं, ऊन रुई, ठीक है, देखा जाए तो खाल से तो आज भी बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं, ठीक है, सीसवाल सभ्यता के लोगों से शुरुआत हो गई थी, ठीक है, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है, राज्य में शॉल बनाने की कला कहलाती है, ये मैं पिछले टॉपिक में करवा चुका हूँ फुलकारी, इसको छोड़ दो। राज्य में नीले कपड़े पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा, इसको लह कहते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नीले खद्दर पर लाल टिक्को वाले कपड़े को घाघरा को कैरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, खद्दर के कपड़े, अब इम्पोर्टेंट आ गया, अब नोट करना है सबको, ठीक है, अब इम्पोर्टेंट आ गया, एक भी नहीं छोड़ना इसमें से, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये सारे। चार नीले चार काले धागों की बुनाई से खद्दर से बना बगैर कली का घाघरा क्या कहलाता है, चार नीले, चार तो नीले और चार, चार नीले और चार लाल धागे, चार नीले और चार लाल धागों की, इन दोनों को बुन के फिर बनाया जाता है, खद्दर से बनाया, खद्दर का बना होता है ये, किसका बना होता है, खद्दर का, ठीक है, खद्दर का बना होता है, चार नीले और चार लाल धागे, धागों की मदद, धागों के साथ बुना होता है, ठीक है, से बुना होता है, ये क्या होता है, क्या बना होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं खरा, खरा, ठीक है, इसको खरा बोलते हैं, क्लियर है। बंधाई पद्धति में तैयार किया गया ओढ़ना, बंधाई, बंधाई पद्धति में, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बंधाई पद्धति में तैयार किया गया ओढ़ना, तैयार किया गया ओढ़ना, इसको क्या बोलते हैं, तैयार किया गया ओढ़ना, बंधाई पद्धति में तैयार किया गया ओढ़ना, गुलड़ों की लय, गुलड़ों की लय, गुलड़ों की लय, इसको ये बोलते हैं, एग्ज़ाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। बच्चे के जन्म पर दिया गया ओढ़ना, बच्चे के जन्म पर दिया गया ओढ़ना, ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आ चुके हैं बच्चों, ठीक है, बच्चे के जन्म पर दिया गया ओढ़ना, दिया गया ओढ़ना, उसको क्या बोलेंगे, पीलिया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पीलिया। बाग व फुलकारी दोनों का मिक्सचर क्या होगा, ये मैं करवा चुका हूँ वैसे, बाग फुलकारी दोनों का मिक्सचर क्या होगा, चोप, ठीक है, अच्छा जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। कढ़ाई किया गया शॉल, शॉल पे अगर कढ़ाई की गई है, कढ़ाई किया गया शॉल, किया गया शॉल, अगर शॉल पर कढ़ाई की गई है तो उसको क्या कहेंगे, शॉपली, 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 ठीक है, कढ़ाई किया गया शॉल, शॉपली या दोशाला, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये भी आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, आए हुए हैं जो, ठीक है। चांद तारा घाघरा किस कपड़े का बना होता है, चांद तारा, चांद तारा घाघरा, चांद तारा घाघरा किस कपड़े का बना होता है, किस कपड़े का बना होता है, चांद तारा किस घाघरा जो है, चांद तारा घाघरा, चांद तारा घाघरा किस कपड़े का बना होता है, ये बताना है, ये किसका बना होता है, खद्दर का, ज़्यादातर तो खद्दर के ही बने हुए मिलेंगे, खद्दर के या सूती के, उस टाइम पे ज़्यादातर यही होता था पुराने टाइमों के, ठीक है, क्लियर है बच्चों। चांद तारा घाघरा जो है किस कपड़े का बना होता है, खद्दर का, ठीक है। अच्छा जी, छोटे बच्चों का पहनावा कहलाता है क्या, जुगला, छोटे बच्चों का पहनावा, छोटे बच्चों का पहनावा
क्या कहलाता है? जुगला, जुगला कहलाता है भाई, छोटे बच्चों का पहनावा क्या कहलाता है? जुगला। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब है नेक्स्ट है खद्दर की रजाई। खद्दर की जो रजाई बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? खद्दर की रजाई, रजाई, खद्दर की रजाई को क्या बोलेंगे? सोड़, सोड़। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, खद्दर की बने, ये इम्पोर्टेंट है सारे, ये जो जो मैंने अभी करवाए हैं। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, सारा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, खद्दर की बनी रजाई क्या बोलते हैं? सोड़। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो रब करते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट बच्चों, राज्य में महिलाओं द्वारा दिए जाने वाले वस्त्रों का उपहार, महिलाओं के द्वारा जो महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा दिया जाने वाला वस्त्रों का उपहार दिया जाने वाला वस्त्रों का उपहार, वस्त्रों का उपहार क्या बोलते हैं इसको? महिलाएं जो है ना सूट नहीं रखती है, जैसे वस्त्रों का उपहार सूट रखती हैं भाई, कहते हैं ना अपने देसी भाषा में, जैसे शादी वगैरह होती है तो उसको कहते हैं भाई क्या लेके आई, महिलाएं सारे लेडीज़ देती होती है तो उसको क्या बोलते हैं? तील, तील। ठीक है बच्चों, तील, तील होता है ये। ठीक है, राज्य में पहनी जाने वाली सैनिक फैशन की पगड़ी, ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसमें कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। ठीक है, नोट कर लीजिए, सैनिक तरह, सैनिक के सैनिक में सैनिक फैशन में, सैनिक फैशन कह लो या सैनिक के तरीक, सैनिक के तरह की पगड़ी उसको क्या बोलेंगे? साफा। ठीक है, उसको साफा बोलेंगे, सैनिक के तरह की। ठीक है, और राजपूती डंकी, राजपूती डंकी दूसरा क्या है? राजपूती डंकी, राजपूती डंकी पगड़ी को क्या बोलेंगे? राजपूती डंकी पगड़ी क्या होगी? सैनिक के डंकी साफा। ठीक है, और राजपूती डंकी क्या होगी? पाग। ठीक है, क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट देख लेता हूँ मैं। सूती कपड़ों पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई का ओढ़ना उसको बोलते हैं बोल। सूती कपड़ों पर, सूती कपड़ों पर, कपड़ों पर, सूती कपड़ों पर, सूती कपड़ों पर पट्टी, रेशमी पट्टीदार कढ़ाई, रेशमी पट्टीदार कढ़ाई, पट्टीदार कढ़ाई, सूती कपड़ों पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई की जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? बोल, उसको बोल कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? और बस इम्पोर्टेंट तो यही है, बस और तो कोई कुछ नहीं है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट थे बच्चों। अगर किसी भी तरह एक गुमटी हो रहा है, सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों से कढ़ी हुई ओढ़नी, ये इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ है क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट आया हुआ है क्वेश्चन, मिस हो गया था ये। सूती कपड़ों पर, सूती कपड़ों पर, सूती कपड़ों पर, सूती कपड़ों पर रेशमी बूंदियों से, रेशमी बूंदियों से, रेशमी बूंदियों से, रेशमी बूंदियों से कढ़ी हुई ओढ़नी, कढ़ी हुई ओढ़नी इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम गुमटी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये पहले आ चुका है। ठीक है, इसको गुमटी कहेंगे। सूती कपड़ों पर रेशमी पट्टीदार अगर कढ़ाई की हो तो बोल कहेंगे,
ठीक है, ये बोल कहेंगे। और सूती कपड़ों पर रेशमी बूंदियों से कटी हुई ओढ़नी होगी तो गुमटी कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये थे हमारा वेशभूषा था ये हमारा, ठीक है, ये वेशभूषा था हमारे हरियाणा का, ठीक है। और फुलकारी के बारे में बताया, वेशभूषा दो टॉपिक आज के मैंने उसमें लिए हैं, और मैक्सिमम आधे घंटे का लेक्चर बना होगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि छोटा सा टॉपिक ले आऊं और लाइव आ जाऊं, आप लोगों को एक छोटे से टॉपिक के चक्कर में एक डेढ़ घंटा वेस्ट कर दूं, ठीक है, अपना भी और आप लोगों का भी, क्योंकि इस टाइम पर टाइम की बहुत अहमियत है दोस्तों। इस टाइम मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, मैं चाहता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट करें, आप हर इम्पोर्टेंट टॉपिक करें लेकिन पॉइंट टू पॉइंट। ज़्यादा हम अगर डिटेल में जाएंगे या ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं कि YouTube से तैयारी मत करो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ YouTube से करे कोई भी बच्चा, अगर हमारे चैनल पे आए, YouTube से आए, जुड़े हमारे से, तो रिलेटेड टॉपिक जो होगा ना वो लिमिटेड मिले उसको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। ठीक है, अगर किसी भी तरह से अगर कोई भी अगर हमारा कोई भी टॉपिक अगर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई भी गलत अगर मैं बोल गया हूँ फ्लो में, तो माफ़ कीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे सजेशन की दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके।